अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है फुरकान अली और आप देख रहे हैं फुरकान एजुकेशन टीवी। दोस्तों, हमें इंग्लिश को समझने के लिए रूल्स या टॉपिक को समझना पड़ता है। इसी तरह आज का हमारा टॉपिक है कंक्रीट, अब्स्ट्रैक्ट एंड कलेक्टिव नाउन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें फुरकान एजुकेशन टीवी को एंड बेल आइकन प्रेस करें फॉर मोर एजुकेटिव वीडियोस। तो चलिए सबसे पहले कंक्रीट नाउन के बारे में जानते हैं। कंक्रीट नाउन किसी इंसान, जानवर या चीज़ को कहते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं। एग्जांपल है द बॉय गिव हिज डॉग अ बोन। इसमें बॉय, डॉग और बोन कंक्रीट नाउन है। तो चलिए अभी बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी आइडिया, क्वालिटी या एक्शन और सिचुएशन को कहते हैं। एग्जाम्पल है True knowledge should be accompanied by humanity. इसमें knowledge और humanity abstract noun है। Abstract noun वो होते हैं जिनको हम touch नहीं कर सकते, हाँ मगर हम उसको अपने mind में बना सकते हैं। अभी बात करते हैं collective noun की। Collective noun किसी group या collection of person, animal और चीज़ जो बहुत ज़्यादा हो उसे कहते हैं। Example है group of goats, flock of birds, टीम ऑफ फुटबॉल प्लेयर ऑफ जापान। इसमें हम इनको माइंड में बना सकते हैं, ये सारा एक कलेक्शन है, इसलिए हम इसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।